कोई फ्लाइट स्कूल नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, बस ये एक ही डिटर्मिनेशन था कि मुझे पायलट बनना है। मैं काफ़ी लोगों से पूछती थी कि पायलट कैसे बनना है, लेकिन आज के डेट में भी इतना अवेयरनेस कम है, तो उस टाइम पे तो बहुत ही कम था, इंटरनेट का भी एक्सेस भी नहीं होता था, और मोस्टली अगर कोई हम क्लास में भी उठ के अगर बोलते थे पायलट बनना है तो सब लोग ऐसा व्यर्डली देखे क्या बोल रहे नॉर्मली, क्योंकि मोस्टली पीपल डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी। उसमें से अगर कोई उठ के बोल रहा है पायलट बोल रहा है तो उन्हें भी लगता था कि कैसे। मैं आंसर्स के लिए सबसे पूछ रही थी, फाइनली मुझे एक ऐड मिला एक एकेडमी का, फ्लाइंग एकेडमी का, जहाँ पे उन्होंने इश्तिहार दिया था अगर मैं वो एग्ज़ाम्स क्लियर करके पास होती हूँ तो मैं फ़्लाइंग कर सकती हूँ। और उस साल में उधर इंडिया में, पूरे इंडिया में 24 लोग सेलेक्ट हुए थे और वो एग्ज़ाम्स मैं पास करके वहाँ पे ज्वाइन हो पाई और उस वजह से मैं पायलट बन पाई। सच में पायलट बनना हो तो 11th 12th में मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट्स लेना पड़ता है, उसमें 55% स्कोर उनको पास करना है, 55% के स्कोर के साथ। उसके बाद फ्लाइंग स्कूल जाना है और वहाँ पे फ्लाइंग के एग्ज़ाम्स पास करने हैं और फिर आपको अपना फ्लाइंग ट्रेनिंग फिनिश करना है। DGCA के एग्ज़ाम्स होते हैं, 200 आवर्स CPL के लिए होते हैं, वो फिनिश करने के बाद आपको एयरलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना है और फिर एयरलाइन में आप एयरलाइन के हिसाब से जो एयरक्राफ्ट्स उनके पास है वो एग्ज़ाम्स क्लियर करके फिर उनके साथ ट्रेनिंग करके आप फिर वहाँ पर फ्लाइंग कर सकते हैं।